हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुलकर्णी। टुडे वी विल डिस्कस द फोर्थ सेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। इसके पहले थ्री वीडियोस मैंने ग्रेविटेशन पर अपलोड किए थे। अब ये फोर्थ वाला लेसन रहेगा जो फाइनल लेक्चर रहने वाला है ग्रेविटेशन पर। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज़ द कंक्लूजन लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके बाद भी मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो अपलोड करने से पहले आप सभी को आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ग्रेविटेशन से रिलेटेड, वो मुझे आपको बताना है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे चारों वीडियो में से कोई भी सेक्शन क्यों ना हो जिसमें आपको दिक्कत आया था, वो बिट मैं आपको फिर से लेने वाला हूँ। ओके, और जो हमारा फिफ्थ लेसन रहेगा वो सिर्फ डाउट डिफिकल्टी और एंड लेसन रहेगा ग्रेविटेशन का। तो इसके बाद ग्रेविटेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके, और भी एक चीज़ मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि याद रखो ग्रेविटेशन ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्टेट बोर्ड का, जो ज़्यादा कंसेप्चुअल है और ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन वाइज इसके कैलकुलेशन थोड़े अच्छे लेवल के बाकी के कंपैरिजन में। लेकिन इससे आप ये कंक्लूजन मत निकालो कि साइंस से पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस ए में बहुत सारे ईजी चैप्टर्स है। ओके, तो कुछ ईजी चैप्टर से कुछ एवरेज चैप्टर्स है। एवरेज कह सकते हैं हम, हार्ड टॉपिक कोई भी नहीं होता है, सब टॉपिक एक तो एवरेज है या फिर इजी है। ओके, तो ये टॉपिक हम पकड़ कर चल सकते हैं कि एक एवरेज टॉपिक था। ओके, अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो इतना इजी रहेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इस वजह से आप नो डाउट ये फर्स्ट चैप्टर होता है, इस वजह से हमें फर्स्ट इसे स्टार्ट करते वक्त ही लेना पड़ता है। ओके, साइंस से स्टडी करते वक्त। लेकिन इसके आगे का जो सेकंड लेसन आएगा वो इतना इजी रहेगा और इसके कंपैरेटिवली पूरा का पूरा अलग रहेगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, सेकंड लेसन में एक भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, तो ऐसा धूप छाव तो हमारा चलने ही वाला है। ओके, इस वजह से आप ये पकड़ कर मत चलिएगा कि साइंस से कुछ ऐसा है, साइंस से कुछ वैसा है, वरना आपको आगे इसे कैप्चर करते वक्त दिक्कत आ सकता है। बस मुझे इतना ही कहना था, अब हम इस टॉपिक की ओर जाते हैं। तो जैसे पता होगा आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स में मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रेविटेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, केपलर्स लॉज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके बाद आज हमें फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी और कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करना है। तो इसके बाद हमारे पूरे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो जो बच्चों ने मुझे अभी तक जितने डाउट्स पूछे थे उतने ही बीट पर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ, और बाकी सब बीट का हम एक जस्ट एक सिनॉप्सिस टाइप ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ग्रेविटेशन फोर्स का डेफिनेशन बताया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है, उसका जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होता है और वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसके बाद सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। और ये सर्कुलर मोशन करते वक्त सेंटर के ओर डायरेक्टेड एक फोर्स अप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, तो जैसे आपको पता होगा हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी सन के अराउंड कौन से मोशन में मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन में। ओके, तो एट द टाइम उनके ऊपर भी सेंट्रिपिटल फोर्स होना, एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स इस कंडीशन में कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड दैट प्लैनेट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद केपलर्स लॉ को हमने स्टार्ट किया था, साइंटिस्ट केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व करके लॉज हमें बताएं। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाय ऑफ दैट इलिप्टिकल। देन आफ्टर नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ केपलर इज द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप आउट्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ केपलर इज द स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सो दिस इज द केपलर थर्ड लॉ। ओके, तो याद रखना टी स्क्वेयर बाय आर क्यूब, मतलब टी मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वेयर। ओके, और आर क्यूब मतलब एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, तो उसका क्यूब, तो टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आर क्यूब के साथ। तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू आर क्यूब, मतलब ही टी स्क्वेयर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। ओके, तो याद रखना इसको,
इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. ओके, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दें हम, तो हमें कैपिटल जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वेयर कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज गिवन एज 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. ओके, और इसका सीजेस में वैल्यू आएगा 6.67 10^-9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. तो अगर इस कैपिटल जी को डिफाइन करना है, तो एट दैट टाइम हमें एक एग्जांपल लेना पड़ता है. दो यूनिट मासेस को, मतलब 1 केजी के मास को यूनिट मास कहा जाता है. तो दो 1 केजी के मास लेना, उसको 1 मीटर से सेपरेट करना, और ये वैल्यू अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर दें, तो हमें फाइनली जी इज इक्वल टू एफ मिलेगा, वेयर जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. इसका वैल्यू एफ के साथ इक्वल आ रहा है. एफ यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके साथ इक्वल आता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के साथ. लेकिन कब आएगा? जब हम दो यूनिट मासेस को सेपरेट करते हैं, कितने डिस्टेंस से? 1 मीटर से. तो यही डेफिनेशन है कैपिटल जी का. ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. ओके, इसके बाद मैंने आपको डेरिवेशन बताया था लास्ट लेसन. हाउ डिड साइंटिस्ट केपलर हेल्प टू अराइव द न्यूटन एट इट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. साइंटिस्ट केपलर की थर्ड लॉ से साइंटिस्ट न्यूटन कैसे अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ तक आ गया था, इसके बीच का ट्रांजिशन डेरिवेशन हमें यहाँ पर बताना था. ओके, तो सबसे पहले तो हमने कंसिडर किया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है. ओके, और वो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. ओके, तो एट दैट टाइम उसके ऊपर जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो कितना होता? एफ इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर. और आपको पता होगा जब कभी भी कोई प्लानेट रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द सन, एट दैट टाइम जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वही क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो यहाँ पर हमने सेंट्रिपिटल फोर्स लिया है. ओके, और यही फोर्स क्या बोल के एक्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब ही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला एमवी स्क्वायर बाय आर. अब ये प्लैनेट कैसे मोशन में मूव करते हैं? सर्कुलर. तो सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है? सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम. ओके, इन सर्कुलर मोशन टू फाइंड द स्पीड ऑलवेज इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम पीरियड. ओके, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में जो लगने वाला टाइम होता है उसे हम कैपिटल टी कहते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. और एक रिवॉल्यूशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा उस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर, और वो आता है 2πr. तो वी का वैल्यू आएगा 2πr. ये वी का वैल्यू हम इक्वेशन 2 का पुट करने वाले इक्वेशन 1 में. ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर. तो वी का वैल्यू आ जाएगा 2πr डिवाइड बाय कैपिटल टी होल स्क्वायर. यहाँ पर वी स्क्वायर था, इस कारण ये जो 2πr बाय टी वैल्यू है वी का, उसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ा. ओके, तो इसका स्क्वायर करने के बाद 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम एज इट इज आएगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और वो आर स्क्वायर और नीचे वाला आर, एक आर कट हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा और नीचे आएगा टी स्क्वायर. अब इसके बाद देखो, अब ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब ही सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू हमें ये मिल गया. लेकिन हमें कैसे भी करके यहाँ पर खींचतान के क्या करना है? केपलर्स लॉ का वैल्यू पुट करना है. तो केपलर्स लॉ क्या कहता है हमें? टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट. तो मुझे अगर के स्क्वायर का मतलब केपलर्स लॉ का अगर वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, तो एट द टाइम मुझे टी स्क्वायर बाय आर क्यूब लाना पड़ेगा. टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन आर क्यूब है क्या? नहीं, सिर्फ आर है. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आर क्यूब लाने के लिए? हमें इसे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. इसी कारण हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर वी गेट. तो न्यूमरेटर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब हो गया, हमारा काम बन गया. अब हमें टी स्क्वायर बाय आर क्यूब लाना था, कैसे भी करके हमने ला लिया. ओके, तो इसे मल्टीप्लाई किया आर को आर स्क्वायर के साथ, तो आर क्यूब बन गया. और जो डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होगा, इस कारण वो वाला आर स्क्वायर यहाँ पर लिखा मैंने. तो अब बताओ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के. तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर मतलब क्या आएगा? 1/k. ओके, तो इस ब्रैकेट को हम रिप्लेस करने वाले 1/k से. तो अगर आप इस इक्वेशन में देखते हो तो 4, m, पाई स्क्वायर और k, ये सब के सब पैरामीटर कॉन्स्टेंट है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल F किसके साथ वेरी होगा? आर स्क्वायर के साथ. सो दैट्स वाई वी कैन से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ हम इसे कह सकते हैं बाय यूजिंग
केपलर्स थर्ड लॉ वी अराइव एट द इक्वेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो दिस डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डेरिवेशन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है हमें. ओके, इसके बाद मैंने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया था. जैसे आपको पता होगा कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होता है, तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स भी एक एक्सेलरेशन से जनरेट होगा और उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. उसे हम डिनोट जी से करते हैं और उसे निकालने का फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर. ओके, अगर ये सभी वैल्यू पुट कर दें हम कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर का. कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ और कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ. तो सभी वैल्यूज पुट करने के बाद इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आता है 9.77. उसे हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे अर्थ सर्फेस पर आप कहीं पर भी जाओ एट दैट टाइम उसका वैल्यू 9.8 रहता है. ओके, तो इस जी का जो वैल्यू है स्मॉल जी का वो कहीं कहीं पर चेंज होता है. जैसे हम अगर अर्थ सर्फेस के ऊपर चले जाएँ एट अ हाइट एच पर, या फिर अर्थ सर्फेस के अंदर चले जाएँ एट अ डेप डी पर. ओके, या फिर हम पोल्स पर चले जाएँ या फिर इक्वेटर पर चले जाएँ, तो एट द टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है. तो इस बिट को कहा, तो जैसे हमें पता है कि अर्थ का ग्रेविटी कुछ कुछ जगह पर चेंज होता है. जैसे दिस इज द चेंज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलॉन्ग द सर्फेस. तो जैसे आपको पता होगा अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है. अर्थ कभी अर्थ कहीं पर बल्ग है तो अर्थ कहीं पर फ्लैट है. इस वजह से अर्थ का रेडियस इक्वेटर पर ज़्यादा है और पोल्स पर कम है. ओके, अगर आपको ये इमेजिन नहीं हो रहा है अर्थ का शेप एग्जैक्टली कैसा है, तो अंडा आप सामने रखो, अंडे जैसा अर्थ का शेप है. अंडे का एक साइड देखो आप बहुत बड़ा होता है तो दूसरा साइड बहुत छोटा होता है. तो लाइक दैट हमारे अर्थ का शेप है. ओके, इस कारण अर्थ का शेप, अर्थ का जो रेडियस है वो पोल्स पर कम है और इक्वेटर पर ज़्यादा है. और आपको पता होगा स्मॉल जी का जो फॉर्मूला अभी देखा था हमने, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो अगर आर बढ़ गया डिनोमिनेटर में, ओके, तो जी का वैल्यू न्यूमरेटर में कम होगा क्योंकि जी और आर स्क्वायर एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट्स वाई इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजेस एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस. तो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो सबसे कम होगा इक्वेटर पर और सबसे ज़्यादा होगा पोल्स पर, क्योंकि पोल्स पर रेडियस कम है. इस वजह से ग्रेविटी ज़्यादा है और कितना है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होने के कारण ग्रेविटी कम है और कितना है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस कारण इन दोनों का एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 हमेशा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच. तो अगर हम एट अ हाइट एच पर चले जाते हैं तो एट द टाइम ये आर का जो वैल्यू है ये कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा. कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और हम अर्थ के जितना ऊपर जाएंगे उतना हाइट, तो आर प्लस एच बन जाएगा स्मॉल आर का वैल्यू. इस कारण रेडियस बढ़ने से, ओके, डिनोमिनेटर बढ़ने से जी का वैल्यू कम होगा. इस वजह से हम जितना हाइट पर चले जाएंगे ऊपर अबाउ द अर्थ सर्फेस एट दैट टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा. आपको एक एग्जांपल पता होगा, स्काई डाइवर्स पता है आपको, जो एरोप्लेन से छलांग लगाते हैं और पैराशूट ओपन करके ज़मीन पर आ जाते हैं, तो छलांग मारने के बाद देखो वो हवा में इधर उधर जाते रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत हाइट पर होते हैं इस कारण. ओके, तो इस वजह से वो वहाँ पर चेन बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, कुछ भी करते रहते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइज में या फिर मूवीज़ में. ओके, तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो बहुत हाइट पर होते हैं और बहुत हाइट पर जी का वैल्यू 9.8 से बहुत 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 कम हो जाता है. इस कारण वो वहाँ पर वैसा कर पाते हैं. ओके, तो लाइक दैट अगर हम डेप पर चले जाएँ, गहरे कुएं में चले जाएँ, तो एट दैट टाइम ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाता है. ओके, और इसी वजह से आपने देखा होगा अगर बहुत गहरे पानी में अगर हम मतलब पानी में अगर तैरने चले जाए और बहुत गहरे पानी के अंदर हम जाने की कोशिश करें, तो एट द टाइम हमारे माइंड पर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जी का वैल्यू वहाँ पर कम होने लगता है. हमारे बॉडी को एक जी के वैल्यू की आदत होती है, उससे वैल्यू कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो हमारे बॉडी पर कुछ अनकॉन्शियस फील होने लगता है बॉडी को. तो वैसा फील हमें पानी के अंदर हो जाता है. अगर बहुत गहरे पानी में अगर आप चले जाओ तो एट दैट टाइम ये फील हमें आ सकता है. तो आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाओ या फिर अर्थ सरफेस के नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कम ही होगा. और ये कम क्यों होता है? देखो आप, नो डाउट अर्थ सरफेस के अंदर जाने के बाद, डेप्थ में जाने के बाद, एट दैट टाइम आर का वैल्यू कम होता है. इस हिसाब से जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. वो तो बढ़ता है, लेकिन एम का जो वैल्यू है, जो इफेक्टिव मास होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स को कंट्रीब्यूट करता है, वो कम हो जाता है ज़मीन के अंदर जाने से. इस कारण इसका जो कम होने का इफेक्ट है जी का वो ज़्यादा है, और आर से जो बढ़ने का इफेक्ट है वो कम है. इस कारण रिजल्टेंट इफेक्ट किसका हो जाता है? मास का. और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है अगर हम एट अ डेप डीपर जाते हैं तो. ठीक है, इसके बाद मास और वेट का मैंने आपको डिस्टिंग्विश बताया था.
मास इज नथिंग बट द टोटल मैटर प्रेजेंट इन साइड द बॉडी, और वेट मतलब क्या होता है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। ओके, तो देखो अब हम इस टॉपिक का नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं जिसका नाम है फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल क्या होता है समझ लो आप, जैसे आपने एक पेन है जो एच हाइट पर लेके जा रहे हो आप पेन को, और वहाँ से आप उसे छोड़ दे रहे हो। ओके, तो एट दैट टाइम पेन हवा में ही नहीं रहता है, वो नीचे आ जाता है ज़मीन की ओर। ओके, और उसका जो मोशन होता है वो किस फोर्स की वजह से होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। तो पेन उस कंडीशन में जो मोशन करता है उसे फ्री फॉल कहा जाता है, जिस मोशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होता है ऐसे मोशन को फ्री फॉल कहा जाता है। ओके, तो इस फ्री फॉल के स्टेट को हम तीन वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। एक तो वो बताएंगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देते वक्त कि एक स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं, एक स्टोन को हम रिलीज कर रहे हैं, एक स्टोन को हम फॉल कर रहे हैं, तो ये तीनों भी वर्ड क्या इंडिकेट करते हैं, वो स्टोन क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। याद रखना आप इस बिट को। इसके बाद देखो फ्री फॉल जब ऑकर होता है तो एट दैट टाइम हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हमें। जैसे हमेशा फ्री फॉल होते वक्त इनिशियल स्पीड जीरो रहेगा, ए का वैल्यू जी आएगा। ओके, तो हमारे जो थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन थे साइंटिस्ट न्यूटन ने हमें बताए हुए 9th स्टैंडर्ड में, आपको याद आ रहा होगा, उन्हीं काइनेमेटिकल इक्वेशन में कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। जैसे पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू का वैल्यू जीरो आएगा, ए का वैल्यू जी, तो वी इज इक्वल टू जी टी आ जाएगा। दूसरा आएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर हम एच हाइट पर लेके जाते हैं और वहाँ से छोड़ते हैं तो वो उतना ही डिस्टेंस कवर करता है जितना उसका हाइट होता है, इस कारण एस की जगह हम एच भी ले सकते हैं। तो हमारा दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू का वैल्यू जीरो, इस कारण यू टी टर्म जीरो हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए की जगह जी, हाफ जी टी स्क्वायर आ गया और एस की जगह एच। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन रहेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ओके, क्योंकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, लेकिन u का वैल्यू जीरो होने के कारण थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगर आपने प्रॉब्लम में चेक कर लिया कि प्रॉब्लम का किस फ्री फॉल का है, तो नो डाउट आप इन तीनों इक्वेशन को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं, जस्ट फ्री फॉल का केस है अगर आपने ये समझ लिया गिवन प्रॉब्लम में, तो एट द टाइम आप ये तीनों फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बिट है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये थोड़ा अलग बिट है फ्री फॉल से। देखो आप फ्री फॉल करने का केस मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर से नीचे आएगा, सिर्फ इसी केस को फ्री फॉल कहा जाता है। अगर आपको बताया जाए कि एक बॉल है जिसे हम यू वेलोसिटी देकर ऊपर के डायरेक्शन में छोड़ रहे हैं, तो एट दैट टाइम वो फ्री फॉल का केस नहीं होगा, वो कौन से केस में आएगा, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो आप ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एट दैट टाइम हमें फ्री फॉल के इक्वेशन आप नहीं यूज़ कर सकते, एट द टाइम हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन के ओरिजिनल फॉर्म की ओर जाना पड़ेगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके, एस की जगह आप एच पुट कर सकते हो, यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं रहेगा, इस कारण तीनों इक्वेशन में यू एज इट इज़ है। ओके, और ए की जगह आप जी पुट कर सकते हो, क्योंकि ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा क्यों ना हो, नीचे भी आ रहा क्यों ना हो, ओके, एट द टाइम मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, इस कारण ए की जगह आप जी ले सकते हो। ओके, इन दोनों इक्वेशन में आप जी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने प्रिंट मिस्टेक की वजह से ए कर दिया है, आप इसे जी कर सकते हो। ओके, तो याद रखना आप जी के कंसेप्ट को बहुत ध्यान देकर याद रखना मैं क्या बता रहा हूँ। इसके आगे जो न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको ये कंसेप्ट लगने वाला है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एट दैट टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के ओर होता है, इस कारण वहाँ पर आपको जी का वैल्यू माइनस लेना पड़ता है। फिर से याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर छोड़ रहे हैं तो एट दैट टाइम मोशन के इन इक्वेशंस में ए का वैल्यू माइनस जी पुट करना, क्या पुट करना, ए का वैल्यू माइनस जी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो। ओके, और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसे अलॉन्ग द ग्रेविटी मोशन कहा जाता है, तो एट दैट टाइम ए का वैल्यू प्लस जी लेना, तो ए का वैल्यू कब प्लस जी आएगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस जी लेना, समझ में आ रहा है, इतना ही चेंज आपको करना है इक्वेशन में। और भी एक बात याद रखना, जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ओके, यहाँ पर इस पॉइंटर की ओर अच्छे से देखो, मैं ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी देकर ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ये यू वेलोसिटी से ऊपर जाता है और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस ज़मीन पर आ जाता है, तो जब हम उसे छोड़ते हैं ना हवा में, तो एट द टाइम जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाता है ना उसके मैक्सिमम हाइट पर, तो एट द टाइम वो रुक जाता है एक समय के लिए, मतलब उसका हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद वेलोसिटी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, तो ये बिट हमेशा आप याद रखना। ओके, व्हेन वी
थ्रो द ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ओके, तो ये कंसेप्ट पार्ट बहुत अच्छे से याद रखना, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लगने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट टेबल ऑफ कंटेंट है जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो देख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब छोड़ देना, निकल जाना। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट को एक मिनिमम वेलोसिटी लगता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए और अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए, उस मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, और ये एस्केप वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm बाय आर। ये भी एक टाइप का वेलोसिटी, इसका निस्का 7 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अब ये एस्केप वेलोसिटी आपको यहाँ पर भी आएगा और हमारा जो 10th टॉपिक रहेगा जिसका नाम है स्पेस मिशन, तो उसमें भी आता है। और इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आपको बुक में नो डाउट दिए हैं, लेकिन वो हमें कभी एग्जाम में आते नहीं है। ओके, और इस लेवल पर हम वो न्यूमेरिकल नहीं ले सकते, अगले कुछ लेसन में या फिर कुछ दिनों बाद में ज़रूर इसके ऊपर फोकस करूँगा और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप इस लेवल पर एस्केप वेलोसिटी के न्यूमेरिकल की ओर ना ही देखोगे तो अच्छा होगा। ओके, ये एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में नहीं आ सकते, आ गया तो 10th टॉपिक में आएगा बीट, तो 10th टॉपिक में हमें ये फिर से बीट रिपीट करना है, तो एट द टाइम हम फिर से डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को देना पड़ता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। अब ये किसे दिया जाता है, सैटेलाइट को। आपको पता होगा कुछ सैटेलाइट हम मार्स पर छोड़ते हैं तो एट द टाइम उसे अर्थ के ग्रेविटी को पहले ओवरकम करना पड़ता है और अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल कर फिर उसे किस ओर जाना पड़ता है, मार्स की ओर। तो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए उसे एक मिनिमम वेलोसिटी देना वहाँ पर ज़रूरी होता है और उस मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होगा द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको बीट 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। ओके, दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस एज वी गो ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो ये एक रिलेटिव बीट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगता है। ओके, तो हम ऐसे अजम्पशन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट का होगा जिसका मास m होगा और वो अगर ऑब्जेक्ट एट हाइट h पर है ग्राउंड से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं हम, एम जी एच से। ओके, और उसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम एट हाइट h पर लेके जा रहे हैं तो उस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी फार्मूला, ये फार्मूला आपने 9th में यूज़ किया था एम जी एच। अब हम 10th में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने को आ जाए तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। ये बिट सिर्फ आपको फार्मूले वाइज याद रखना है, इसके न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं आते। ओके, तो बस इतना ये बिट है, यहाँ पर हमारा टॉपिक फुल एंड फाइनल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ओके, तो फ्री फॉल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, वो देखो। पहला न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लानट, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन दैट प्लानट। ठीक है, तो देखो अब एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेकेंड ले रहा है ऊपर से नीचे आने में। ओके, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लानट पर हम जा रहे हैं और उस प्लानट पर हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो उसे ज़मीन की ओर जाते वक्त कितना समय लग रहा है, 5 सेकेंड, और कितने हाइट से फेंका था हमने उस प्लानट पर, 5 मीटर से। ठीक है, तो h का वैल्यू दिया था 5 मीटर, टाइम का वैल्यू दिया था 5 सेकेंड और स्मॉल जी का वैल्यू पूछा था। इज इट अ फ्री फॉल प्रॉब्लम, या व्हाई इट इज़ अ फ्री फॉल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड। ओके, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। ओके, तो फ्री फॉल का इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं हम फ्री फॉल का, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी का वैल्यू निकालना है हमें, तो क्या आएगा, 2h बाय टी स्क्वायर, तो 2 इंटू h का वैल्यू 5 और टी स्क्वायर का भी 5, तो 5 और 5 कट हुआ, आंसर आएगा 2/5, मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। ओके, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना है, और उसे वापस आने में कितना वक्त लगेगा, मतलब छोड़ने के बाद ऊपर जाते वक्त और ऊपर से नीचे आते वक्त उसे कितना टाइम लगेगा, वो हमें निकालना है। अब ये प्रॉब्लम मार्क करो आप, इसे अंडरलाइन करना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। ओके, इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट गोइंग, वर्टिकली अपवर्ड, सो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ फ्री फॉल।
ये फ्री फॉल का केस नहीं रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो क्या हम ऐसा कंसिडर, ठीक है, हम पहले गिवन डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट कितने हाइट पर है, 500 मीटर पर, तो एच का वैल्यू 500 होगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू निकालना है, यू इज इक्वल टू वॉट, टोटल टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ सर्फेस, मतलब छोड़ने के बाद ऊपर जाते वक्त और ऊपर से नीचे आते वक्त उसे टोटल टाइम कितना लगने वाला है वो हमें निकालना है, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कितनी देर एयर में, इसका कैलकुलेशन मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जिसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, और जी का वैल्यू उन्होंने दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इतना ही दिया है। ओके, अब देखो हम कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे से जा रहा है ऊपर जा रहा है, सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है, इसी मोशन को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ऑब्जेक्ट एच हाइट पर जाने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ये बिट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, याद आ रहा है। ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे से ऊपर छोड़ते हैं हवा में तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ओके, तो इस वजह से वी का वैल्यू जीरो होगा, छोड़ते वक्त कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी यू होगा। अब हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू जीरो होगा, यू का वैल्यू निकालना है हमें, और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इस कारण जी का वैल्यू हम माइनस जी लेने वाले, इस कारण 2 × −2 × 10 × 500 आ जाएगा। ओके, एच का वैल्यू 500, जी का वैल्यू 10। ओके, जी का वैल्यू देखो 9.8 लेते हैं हम, लेकिन अगर वो मेंशन करते कि जी का वैल्यू 10 लेना है तो आप 10 लो। ओके, अगर वो मेंशन करते कि जी का वैल्यू 9.8 लेना है तो 9.8 लो, और उन्होंने बताया नहीं कितना यूज़ करना है, तो एट द टाइम 9.8 ही लेना पड़ेगा आपको, 10 आप मन से नहीं ले सकते हो। ओके, क्योंकि 9.8 और 10 बहुत क्लोज वैल्यू है, तो 10 लिया तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, लेकिन हमेशा 10 नहीं लेना, उन्होंने बताया तो लेना, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हो, वरना आपके मार्क जा सकते हैं, याद रखना। तो 2 × 10 = 20 × 500 आ जाएगा 10,000, तो ये -10,000 है, उस साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर का वैल्यू 10,000 है, तो यू का वैल्यू कितना होगा, 100 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड जो हमें निकालना था। अब हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है इस वजह से माइनस जी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद वेलोसिटी जीरो, यू का वैल्यू 100 जो पहले अभी निकाला है, जी का वैल्यू -10, तो ये -10 TA। अब देखो ये जो टाइम है ना, इसे मैं टी ए कंसिडर कर रहा हूँ, टी ए मतलब क्या होता है पता है आपको, टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है इसे, टाइम ऑफ एसेंट मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर जाने का टाइम, हमें जो पूछा गया है टाइम है ये नीचे से ऊपर जाने का नहीं पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब हमें जो टाइम निकालना है वो टाइम कौन सा है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने का। लेकिन याद रखना मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट को जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगता है एग्जैक्टली उतना ही समय उसे ऊपर से नीचे आने में लगता है, इस कारण अगर हमें एक भी टाइम मिल गया नीचे से ऊपर जाने का तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम टी निकाल सकते हैं। ओके, तो जो नीचे से ऊपर जाने का टाइम होता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है, और ऊपर से नीचे आने का जो टाइम होता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं, याद रखना। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो मोशन कंसिडर कर रहे हैं पहले कंडीशन में और इस कंडीशन में नीचे से ऊपर जाने का कर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाते वक्त जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है, इस कारण मैंने टी की जगह टी ए पुट किया है यहाँ पर, तो -10 TA उधर जाके प्लस होगा, तो 10 TA इज इक्वल टू 100 और टी ए का वैल्यू आ जाएगा 10 सेकेंड। ओके, तो ये टाइम कौन सा है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब ही नीचे से ऊपर जाने का, लेकिन हमें कौन सा टाइम पूछा गया है, टोटल टाइम, तो इस वजह से टोटल टाइम टी ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा, और टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, 10 सेकेंड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 × 10 सेकेंड, तो फाइनल आंसर मिलेगा 20 सेकेंड। ओके, तो ये जनरल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द मोशन अंडर ग्रेविटी। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। ओके, तो गिवन डेटा कलेक्ट करते, देखो आप ये क्या बोला है उन्होंने, अ बॉल फॉल्स ऑफ, बॉल फॉल कर रहा है मतलब ये फ्री फॉल का केस है डेफिनेटली। ओके, रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, तो फ्री फॉल करते हुए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा टाइम हुआ उसका, टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी का वैल्यू एज्यूम कर लिया, अब वी का और एच का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये फ्री फॉल का केस है ये तो पक्का पता है हमें, तो फ्री फॉल के केस में एच कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं हम, बाय यूजिंग सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू 1 सेकंड बताया था। ओके, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 × 10/2 मतलब 5 मीटर आ जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट कितने मीटर से हम ड्रॉप कर रहे हैं, 5 मीटर से, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है उसका नीचे जाने के बाद, तो v इज इक्वल टू जी टी, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन फ्री फॉल के टर्म में हम यूज़ कर रहे हैं,
10 इंटू 1, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड. सो राइट आंसर ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट इज 5 मीटर. तो ये 3 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू द फ्री फॉल. तो ये सब हो गए. इसके पहले भी मैंने एक टाइप का न्यूमेरिकल लिया था, याद है आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पर, उसके ऊपर भी मैंने 2 सम्स आपको बताए थे. ओके, तो इस टॉपिक के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो सब खत्म हो गए. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इस टॉपिक का एक्सरसाइज पूरा का पूरा सॉल्व करना है. ओके, और जो भी दिक्कत आने वाले पॉइंट्स है आपको वो मुझे आपको पूछना है. आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो या फिर इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो. जो नेक्स्ट डे का मेरा वीडियो रहेगा उसके पहले जितने डाउट्स आने वाले उन सभी डाउट्स को मैं कलेक्ट करके एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ और अगले दिन में वही अपलोड करने वाला हूँ. ये टॉपिक तो यहाँ पर पूरा का पूरा ख़त्म हुआ है, नो डाउट. ओके, लेकिन अगर किसी को कुछ इश्यूज है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए डाउट डिफिकल्टी का लेक्चर मेरा अगला रहेगा और फिर फुल एंड फाइनल हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा जिसका नाम था ग्रेविटेशन. याद रखना है ग्रेविटेशन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक. हमारे 10th साइंस में जितने भी टॉपिक्स हैं 10th साइंस 1 पार्ट में वो 10 टॉपिक्स हैं और 10 टॉपिक में से हायर वेटेज का टॉपिक ग्रेविटेशन को कंसिडर किया जाता है और हायर कंसेप्ट का ये टॉपिक. ओके, तो ये होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, तो बहुत ईजी टॉपिक है, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जस्ट रीडेबल टॉपिक है वो, तो उसे हम इसके बाद अब स्टार्ट करने वाले हैं. और इस टॉपिक का अगर कुछ डाउट रहे तो आप डेफिनेटली मुझे जल्दी से जल्दी पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.